दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल इंडियन वर्ड्स ग्रुप में। दोस्तों मैं हूं वसीम, और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इंडियन वर्ड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट में अपनी राय या फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। दोस्तों यूपी का बरेली शहर का अपरसोना विलेज है, और दोस्तों जिस दिग्गज खिलाड़ी के यहाँ के आपको हाई फ्लायर कबूतरों का शौक कराएंगे दोस्तों, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दोस्तों रज्जाक भाई। और अलहमदिल्ला 5 उड़ानें उड़ाई हैं उन्होंने, और अलहमदिल्ला 5 की जीत का खिताब अपने नाम किया है। सामने है दोस्तों रज्जाक भाई, दोस्तों उनके कबूतर दिखाएंगे, उससे पहले उनसे कुछ पूछते हैं। सलाम वालेकुम रज्जाक भाई। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है रज्जाक भाई? बढ़िया है भाई। रज्जाक भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने 5 उड़ानें जीती हैं। जी शुक्रिया भाई। और रज्जाक भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने बहुत सी उड़ानें देखी हैं और उड़ाई हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हो सकता है आप यहाँ से उड़ाएं, तो क्या ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए उसकी यहाँ की नस्ल अच्छी होना चाहिए या फिर उसके टैलेंट का होना ज़रूरी है? देखो भाई, टैलेंट भी होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके अगर अपने घर की नस्ल हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। टैलेंट और नस्ल दोनों ज़रूरी है इंसान। जैसे मेरा कहना आपसे ये है कि अगर कोई खिलाड़ी कहीं से कबूतर मतलब उड़ान उड़ाता है तो अगर उसके पास 10-11 कबूतरों की उड़ा रहा है अगर, तो दोनों में से क्या बेहतर है कि उसके घर की नस्लें होना चाहिए तो उसके लिए ठीक रहता है या फिर वो कहीं से खरीद के लाए तो बढ़िया है? अगर उसके घर की नस्ल हो तो और ज़्यादा बेहतर है, और कहीं से खरीद के लाता है तो भाई साहब बहुत हर बात में इंसान स्टॉप। जी रज्जाक भाई मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर अपने उसी जिस जो शख्स उड़ाता हो बाजू अगर उसके घर की नस्ल है तो वो ज़्यादा बेहतर है, और आदमी और कहीं से लाता है तो ये होती है, अगर अपने घर की नस्ल होती तो आदमी को उस पर भरोसा होता है पूरी तरीके से। आपका कहने का मतलब? हमारा कहने का मतलब ये है, अपने घर की नस्लों पर आदमी को पूरी तरीके से भरोसा है, ये भाई हमें इन चीज़ पर भरोसा है, ये चीज़ हमारी इतनी उड़ सकती है। अब आदमी बाहर से ला रहा है तो उस चीज़ पर कोई भरोसा नहीं है, देखने भाड़ने में हर चीज़ में अच्छी होती है, कोई उस्ताद लिया है कोई कुछ भी लिया है, हर आदमी चाहे बच्चा जाए चाहे उस्ताद जाए हर चीज़ उसमें देख के अच्छी लाता है, मगर उड़ती नहीं है वो चीज़। जी और तो, कुछ चीज़ें उड़ती हैं, अगर आदमी अगर पिंजरे में अगर तुम जैसे बाजार में गए कबूतर लेने के लिए, ठीक है रामपुर गए मुरादाबाद गए कहीं पर भी गए, तो बाज़ार में आदमी जाता है तो आदमी रिटायर चीज़ें लेके जाता है हमेशा। जी अब अगर अपने आप उस्ताद ही अगर बड़ा उस्ताद हो कोई भी लेके जाओ तो वो आदमी सब चीज़ देखता है, भाई ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ अच्छी है अच्छी चीज़ पकड़ो, मगर फिर भी चीज़ नहीं उड़ती है। जी दोस्तों आप देख रहे हैं परसोना विलेज जो यूपी के बरेली शहर में पड़ता है, उसके एक दिग्गज खिलाड़ी जो दोस्तों 5 उड़ानों में से 5 उड़ानों की जीत का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों आइए दिखाते हैं उनके हाई फ्लायर कबूतर जो इनकी उड़ानों में उड़ते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आप यहाँ से बहुत सी उड़ानें देखेंगे। देखिए दोस्तों ये कबूतरी जो आप देख रहे हैं वो रज्जाक भाई की उड़ानों में उड़ चुकी है। देखिए इसकी आइज बहुत ही प्यारी दोस्तों, इसकी आइज है, इसके परों का शौक पंजे देखिए भाई, देखिए दोस्तों इसके पंजे, इसके परों का शौक देखिए, देखिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब। दोस्तों ये वो कबूतरी है जो रज्जाक भाई अपनी उड़ानों में उड़ा चुके हैं, ये कितनी बार उड़ चुकी है आपके यहाँ? भाई ये एक बार बाजू में उड़ चुकी है कबूतरी, और ये कबूतरी भाई साहब जैसे मेरी परसों बाजू थी जी, मैं आज लाया आज ही कबूतरी उड़ा ली 1.5 घंटा, फिर परसों कबूतरी बाजू में लगा दी थी एक दिन का रेस्ट लेके। जी स्टॉक देखिए दोस्तों रज्जाक भाई के वो कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं शौक करा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये कबूतर जो आप देख रहे हैं वो रज्जाक भाई की कई उड़ानों में उड़ चुका है, क्या डिटेल है रज्जाक भाई इसकी? इसकी डिटेल ये है भाई, ये कबूतर मैंने 2 उड़ानों में उड़ा लिया है, इसकी लास्ट उड़ान है भाई 7 घंटे की, ये कबूतर खुद बाजू में भी उड़ा था, और इसकी मतलब क्या बोलते हैं माँ थी वो भी उड़ी थी, और इसकी कबूतरी थी वो भी उड़ी थी, इसके बच्चे भी उड़े थे ये भी उड़ा था, जब इसके छोटे छोटे बच्चे थे तब ये कबूतर मैंने बाजू में उड़ा दिया था, बच्चों का कबूतर मैंने बाजू में उड़ा दिया था बच्चा। भाई साहब देखिए दोस्तों, देखो भाई इसके पर देखिए कबूतर, और ये भाई साहब 12 साल पुराना कबूतर है मेरा ये। जी बहुत ही लाजवाब कबूतर, और आप आज भी देखो इस कबूतर को भाई, इसके पंजे देखो भाई लाजवाब पंजे, और आँख भी देखिए भाई साहब, आँख की दीदार करा दो, बहुत ही प्यारी आई है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक ब्रीड जो काफी फेमस हुई है रज्जाक भाई के घर, वो ब्रीड आपकी आँखों के सामने है, काले खैरे जो बोले जाते हैं इनकी, बहुत सी उड़ानों में उड़ते हैं ये। देखिए दोस्तों भाई ये कबूतरी मुझको 2 बार बाजू में जिता चुकी है, एक बार ये बाजू उड़ाई थी मैंने तब भी इसने मुझे जिताई थी, अब एक बार और उड़ाई थी अब भी इसने ये कबूतरी बाजू जिताई मुझे, इसकी उड़ान है भाई 7 घंटे। जी 7 घंटे लास्ट उड़ान है इसकी कबूतरी की, इसको आपको मैं पंजों को दीदार कराता हूँ, तो इस बार की उड़ानों में इंशाल्लाह आप हो सकता है ये इस उड़ान में भी ये कबूतरी उड़ेगी इंशाल्लाह, ये कबूतरी इस उड़ान में भी उड़ेगी। तो कब है आपकी उड़ान? अक्टूबर 22 अक्टूबर में उड़ान है भैया, 22 अक्टूबर। दोस्तों
जो लोग बरेली शहर या फरकोना विलेज को जानते हैं वो यहाँ आ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा शौक मिलेगा 22 अक्टूबर को देखने को। देखिए दोस्तों, एक और बबरा कबूतर जो बरेली शहर की एक बहुत ही फेमस ब्रीड है, हमारे यहाँ की लोकल ब्रीड जिसको बबरा बोला जाता है, वो आपकी आंखों के सामने दोस्तों कितने बड़े साइज का कबूतर है। और कितनी उड़ान है इसकी? भाई इसकी 6 घंटे तक की उड़ान है कबूतर की। जी ये 6 घंटे का हमारे गाँव में उड़ चुका है कबूतर ये। और ये आपकी उड़ानों में? भाई हमने नहीं उड़ाया फिलहाल, दूसरे के घर पे 6 घंटे उड़ चुका है, हमारे दोस्त के घर पर कबूतर 6 घंटे उड़ चुका है, मोहर पे लगा हुआ, डबल मोहर पर तक उड़ गया है कबूतर। बहुत ही लाजवाब दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा कबूतर भाई, पंजे देखिए, लाजवाब पंजे। देखिए दोस्तों, एक और कलसरा कबूतर जो शायद रामपुर की ब्रीड है। हाँ। ये आपके यहाँ की है? ये भाई हमारे यहाँ की है। आपके यहाँ की ब्रीड है जी। देखिए दोस्तों, इसके परों का शौक करते हैं, बहुत ही लाजवाब कबूतर है दोस्तों। ये बच्चे खैरे निकालता है, खैरे बच्चे निकालता है, जो आपके यहाँ की फेमस ब्रीड है वो इसी के बच्चे हैं सारे। ये भाई ये बच्चे उड़ते हैं इसके, खैरे हमारे मशहूर हैं, यही कबूतर हमारा खैरे बच्चे निकालता है टोटली जी। इसके पंजों का शौक करते हैं दोस्तों, बहुत ही लाजवाब कबूतर। रज्जाक भाई के यहाँ का भाई, यहाँ का शौक करा, बहुत ही लाजवाब। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा गर्रा पीली आँखों का, बहुत ही लाजवाब बॉडी स्ट्रक्चर दोस्तों, बहुत ही प्यारे वजूद का कबूतर पीली आँखों का गर्रा। भाई साहब इसका एक कली बच्चा बाजू में लग गया था जी, एक नंबर 6 घंटे की उड़ान दिखा के बच्चा हट गया था। करते हैं दोस्तों, कैच पर हैं और इसके पंजों का शक करते हैं, लाजवाब पंजे दोस्तों। यासीन भाई घर का? देखिए दोस्तों, एक और मशहूर खिलाड़ी यासीन भाई जो खिड़िया में रहते हैं, उनके घर की ब्रीड उड़ने के लिए रज्जाक भाई के यहाँ आई है इस बार बरेली की उड़ानों में दोस्तों। भाई साहब इसका पट्टे, इसके पट्टे में बाजू में उड़ाता हूँ फिलहाल, इस कबूतर को रोक रखा है मैंने, इस कबूतर को नहीं उड़ाता हूँ बाजू में फिलहाल, मैं इसके पट्टे उड़ाता हूँ कबूतर, आप इसकी आकर शौक करिए। बहुत ही लाजवाब दोस्तों, इसके पंजों को शौक कराता हूँ भाई, बहुत ही प्यारे पंजे हैं दोस्तों आपका, उसको इसके परों का शौक कराता हूँ भाई, बहुत ही बड़े वजूद का कबूतर है दोस्तों ये। दस्तूरी काला, दोस्तों एक ठरिया निजामत खान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नाहिद भाई, उनके घर की यहाँ की नस्लें उड़ने के लिए दोस्तों रज्जाक भाई के यहाँ आई हुई हैं, पीली आँखों का हरा दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसके पर पूरे हैं, इंशाल्लाह उड़ने को तैयार है पंजों का। देखिए दोस्तों, उसके पंजे लाजवाब, तो भाई खेल जाए। देखिए दोस्तों, एक और सहारनपुर की ब्रीड आपकी आंखों के सामने, काले कर रहे पीली आंखों में, बहुत ही लाजवाब दोस्तों आईज है, इसके परों का शौक करते हैं दोस्तों। परों का शौक करते हैं दोस्तों इसके, देखिए दोस्तों पूरे पर लाजवाब पर, नया पट्टा दोस्तों, इसके पंजे। देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब कबूतरी, दो बाज गदरी दो बाज दोस्तों, और बहुत अच्छी ब्रीड की कबूतरी दोस्तों ये। और कितनी बार उड़ चुकी है ये? भाई एक बार बाजू में उड़ चुकी है कबूतरी जी, बहुत ही लाजवाब। इसके पर दोस्तों कैच हैं, इसके पंजों का शौक करते हैं, बहुत ही लाजवाब। देखिए दोस्तों, एक और कलदुमी कबूतरी बहुत ही लाजवाब, देखिए दोस्तों पूरे पर हैं, इसके आईज का शौक कराते हैं, आंख दिखाते हैं दोस्तों आपको, देखिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब आईज। बहुत ही लाजवाब दोस्तों, यहाँ पर कबूतरों की क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा है,
इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा इनके जो बाकी बचे हुए कबूतर हैं। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।